Good morning, students. Today we are going to learn about the articles. We have learned और हम लोग पढ़े हैं small class में, छोटा class में articles के बारे में. And we know there are three articles. They are the, a, and an. But these three articles are दो भाग में विभाजित किया जाता है. कितने भाग में चिल्ड्रन? दो भाग में. They are definite articles and indefinite articles. What are they? They are definite articles and indefinite articles. सबसे पहले हम लोग कैसे articles का प्रयोग हमारे जीवन में कैसे करते हो? How do we use these articles in our daily living or in our daily talking? सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ तो हम वर्ड में लिखे हुए हैं. How do we use these articles in our sentences and in our talk? सबसे पहले जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम, the bird is flying, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में पहले हम लोग किसी का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग. जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग. देन द अदर प्रयोग और सेकंड, जब किसी सिंगुलर नाउन, जब किसी सिंगुलर नाउन के पूर्व, सिंगुलर नाउन के पूर्व द प्रयोग, द का प्रयोग नहीं करते हैं, भले ही उसके सारी जाति का बोध के बाद में होते हैं. काउ छोटे सिंगल वन पटीज है. कोल द काउ इज ए यूजफुल एनिमल. सो वी आर यूजिंग द आर्टिकल द. देन नाउ व्हेन वी आगे बढ़ते जा देखेंगे नदी, हाउ द का प्रयोग कैसे करेंगे. नदी द गैंजेस, द गैंजेस वी हैव एवरीथिंग इन द बुक. Ganges, the Ganges, like the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, जैसे महासागर या बड़ी बड़ी नदियों के नाम के पहले या हम लोग द का प्रयोग करते हैं. देन लाइक धार्मिक बुक नंबर फोर में हम लोग देखेंगे रिलीजियस या धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, जैसे द बाइबल हम लोग लिखते हैं द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, एवरीथिंग रामायण. इसी पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग हम लोग करते हैं. हम विशेष करके रिलीजियस या धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग या आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. देन लाइक वी नो समाचार पत्र द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स हैं, वो सबके नाम के पहले हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं. देन कि देन राष्ट्र, जैसे रिलीजन या राष्ट्र, द हिंदू हम लोग देखते हैं राष्ट्र वर्ग या जाति के, द हिंदू, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द रिच, द पुअर. सो देयर ऑल्सो वी आर यूजिंग द प्रयोग, द का प्रयोग करते हैं. ऐसे हम लोग देखते हैं हम लोग हमेशा द अमेरिकन्स बोलते हैं. इंडियंस सिंपली वी आर नॉट यूजिंग इंडियंस, बट वी आर ऑलवेज सेइंग हमेशा ये इंडियंस के पहले हम लोग ये द का प्रयोग करते हैं. अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स जो हमारे हमारे देश में थे, उनके प्रयोग द ब्रिटिशर्स करते हैं. देन वी हैव व्हाट आगे बढ़ते हैं कॉमन नाम या कलेक्टिव नाम, जब उसका प्रयोग पूर्व ही लगाते हैं. जब ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध, जब हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध इमारत हो, यू नो व्हाट इज ए इमारत. इमारत मीन्स मोन्यूमेंट, लाइक द कुतुब मीनार, द ताज महल, दीज आर बिग, वेरी वेरी बिग बिग मोन्यूमेंट्स. सो उसके पहले भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं. Once again, the church, big churches or big temples also, when we say big imarate, like monuments which is built, then we use the
कलेक्टिव सॉरी द आर्टिकल द उसमें कहे या पूर्व हम लोग बताते हैं लाइक रेड फोर्ट ताजमहल द कुतुब मीनार ऑल दिस वंस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग देन अनदर थिंग ना हम लोग द का प्रयोग कैसे करते हैं जो बड़े बड़े लोगों के बारे में हम लोग बोलते हैं द प्रिंसिपल लोग ऐसे नहीं बोलते हैं प्रिंसिपल नो वी यूज ऑलवेज द वर्ड द प्रिंसिपल जब हम लोग प्रिंसिपल के लिए हम लोग चिट्ठी लिखते हैं द प्रिंसिपल हम लोग लिखते हैं ए लेटर्स एनीथिंग यू राइट ऑलवेज द प्रिंसिपल और द मैनेजर और क्या ऐसे हम लोग ये द का प्रयोग हमेशा लोगों में से लिटिल बिट रेस्पेक्ट या लिखा हुआ है अद्वितीय वस्तुओं के पूर्व जैसे द प्रिंसिपल द स्पीकर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द कलेक्टर वी यूज दीज वर्ड्स चिल्ड्रन लेट अस कंटिन्यू विद द लेसन ऑन आर्टिकल वी लर्न अबाउट द आर्टिकल एंड वी स्पोक दैट द आर्टिकल्स दो भाग में विभाजित किया जाता है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स वी लर्न अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल्स आप उसका प्रयोग के बारे में हम लोग सीखे हैं नाउ वी विल गो बैक टू द इनडेफिनेट आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स दे आर ए और एन का प्रयोग ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है उसका प्रयोग के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे सबसे पहले कि गिनती के अर्थ में ए और आर जब आते हैं गिनती एक गिनती में लाइक अ बॉय वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट अ सर्टेन पर्सन लाइक ए बॉय अ कार अ हंड्रेड रुपी दिस एंड दिस एंड वी यूज ऑलवेज डेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं या ए यूज करते हैं उसी तरह कोई या किसी का भाव प्रकट करने के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं जैसे एम्बेसडर गुप्ता मेट मी ऑन द वे ए पर्टिकुलर एम्बेसडर गुप्ता मेट मी ऑन द वे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं ए का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग प्रतीक अर्थ नाउ व्हेन आई गो टू बाय जैसे हम मार्केट जाते हैं तो कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो ए किलो रुपीज फाइव अ किलो टू से पर्टिकुलरली यूज प्राइस के बाद हम लोग ए का प्रयोग करते हैं हंड्रेड रुपी किलो और विशेषकर हम लोग चिकन जब चिकन चिकन खरीदने जाते हैं हम लोग बोलते हैं ना ए भाई 200 रुपया अ किलो इसी तरह हम लोग ए का प्रयोग उधर आगे बढ़ते हैं जो शब्द किसी बहुपद के प्रारंभ में करते हैं तो हम लोग ए का ए आर यान का प्रयोग करते हैं जो शब्द किसी वोवल वोवल हम लोगों को मालूम है कितने वोवल्स है फाइव वोवल्स ए ई आई ओ यू इसके पहले इसके शब्द के किसी पहले हम लोग यूज करते हैं ए वोवल एन का प्रयोग एन ऑरेंज हम लोग नहीं बोलते हैं ए ऑरेंज बट वी यूज एन ऑरेंज एंड उसी तरह हम लोग एन आवर एक घंटा का हम लोग बोलते हैं ए आवर हम नहीं बोलते हैं लेकिन एन आवर कारण यहाँ जब हम एन आवर लिखते हैं क्यों एन आवर लिखते हैं सर क्यों कारण एच एच वॉवल है नो बट यहाँ एच साइलेंट एस आई एल ई एन टी एच यहाँ साइलेंट है इसीलिए एच के बाद कौन सा शब्द आते हैं कौन सा अक्षर है वो क्या है वो एक वॉवल है इसलिए एच को साइलेंट करके हम लोग एन आवर दैट इज द करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग एन आवर एच रिमेन्स साइलेंट उसी तरह यू में अ यूनिवर्सिटी यू का प्रयोग यू क्या है यू भी एक वॉवल है यू का प्रयोग भी एन ऐसे है जैसे ए उसी तरह का उच्चारण आ जाता है तो हम लोग क्या ए यूनिवर्सिटी द यूनियन वो सब यूज करते हैं एन का यू का प्रयोग और एन का यूनिवर्सिटी लास्ट में हम लोग देखते हैं यू से ये हम लोग
समझना चाहिए। यू से प्रारंभ होने वाला शब्दों में यदि यू का उच्चारण ऊ या ऊ होता है तो उसके पूर्व ए या द लगाते हैं। जैसे द यूनियन, द यूनियन, हम लोग बहुत सारा यूनियन है तो जब हम लिखते हैं ए यूनियन नहीं लिखते हैं, बट वी राइट द यूनियन, द यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। किंतु यदि यू का उच्चारण आम होता है तो उसके पूर्व आम लगाते हैं। उच्चारण के आधार पर भी ये बदलते हैं। नॉलेज सबसे लाइक अंग्रेजी के थोड़ा सा अच्छा से समझने के लिए कोशिश करना। अंग्रेजी की वर्णमाला में कितना अक्षर है? 26 अक्षर। अक्षरों में जिनकी ध्वनि आ आ ई ई ऊ ए औ ये सब निकले उसे प्रारंभ होने वाले शब्दों के पूर्व आन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एमएलए, एन एसपी, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग को इतने थोड़ा सा अभी हम लोग इसको रीडिंग करके हम इसका प्रयोग कैसे करना है हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग घर में आराम से बैठ के थोड़ा सा पढ़िए। हम लोग थोड़ा वीडियो बनाते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है। ज़्यादा जैसे क्लास में सब हम लोग बताते हैं किसी तरह ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यू विल सिट एट होम एंड गो थ्रू दीज एक्सप्लेनेशन थॉरली। धीरे धीरे कैसे कैसे हम लोग ये तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग, ए सॉरी द, ए और आर का प्रयोग हमारा जीवन में कैसे हम लोग यूज करते हैं हम लोग करेंगे। साथ साथ हमारा एक्सरसाइज आप देखेंगे, एक्सरसाइज 11 लिखा गया है, किताब में है। ए आर बी दो दिया है आर्टिकल्स। सबसे पहले ए में है आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं तो आपको मालूम है आर्टिकल्स तीन प्रकार के हैं, सॉरी तीन आर्टिकल्स हैं और उसको तीन दो भाग में विभाजित किया जाता है, वो है डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। नंबर बी में आप देखेंगे नीचे दिए वाक्यों के खाली स्थानों में उचित आर्टिकल्स का प्रयोग कीजिए। तो नीचे ये किताब में दिया गया है तो आप लोग थोड़ा सा इसको करेंगे तो तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग इसमें करना है। जैसे सबसे पहले हम आई एम कैरिश्मा यूजफुल मेथड, आई एम इज कैरिश्मा यूजफुल मेथड, ये तीनों आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल वहाँ यूज करना है? आई एम एक एक के बारे में बताते हैं ना कुछ वस्तु, खास वस्तु, तो ए यूजफुल मेथड। उसी तरह नंबर टू, देयर इज कैरिश्मा यूनिवर्सिटी इन मेरठ, देयर इज अ यूनिवर्सिटी। इसी तरह आप लोग जब घर में आप लोग स्टडी के लिए बैठते हैं, ये आपका एक्सरसाइज है, आपको घर में बैठ कर आराम से राइट नाइसली एंड नीटली एंड क्लीन, सो दैट व्हेन वी कम टू द क्लास वी विल डू इट वाइजली। थैंक यू।